हेलो व्यूअर्स, आज मैं दिखाने वाली हूँ किस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराते हैं पाइथन में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पहले पाइथन मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो पहले इसको अब शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए यहाँ पर हमको पहले टाइप करना है IDLE, IDLE। तो यहाँ पर IDLE लिखने पर हमको IDLE पाइथन ये वाला जहाँ पर आता है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो मेरा ओपन हो रहा है। इस विंडो में ही हमको कोई भी एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए पहले फाइल, न्यू फाइल करते हैं। तो ये मेरा न्यू फाइल ओपन हो गया। यहाँ पर हमको लिखना है, तो लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट मतलब डिस्प्ले कराना, और उसमें ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट के बाद सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स में हमको देना है जो भी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हेलो व्यूअर्स, ये मैंने कर दिया, हो गया मेरा प्रोग्राम। अब इसको जैसे ही रन कराते हैं, यहाँ पर रन रन मॉड्यूल F5, F5 दबा के भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको कहता है कि सेव करना है। ओके, सेव करते हैं। तो सेव के लिए हमको इसका एक नाम देना है, तो हम इसका नाम दे देते हैं। चूंकि एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं तो इसलिए M1, M1.py, py पाइथन का एक्सटेंशन है, py देना ही है, तो py दे देते हैं और इसके बाद सेव कर देते हैं। ये हो गया सेव। और सेव करने के बाद इसको जैसे ही रन किया, ये दे दिया हेलो व्यूअर्स, हो गया। थैंक यू।